नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पप्पू यादव की रिहाई की मांग, जाप महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा साजिश के तहत किया गया है गिरफ्तार। बिहार में 1.25 लाख टेस्ट में मात्र 5,920 लोग पॉजिटिव, आज रिकॉर्ड 96 लोगों की मौत। सावधान, बिहार में और बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा, पटना के अस्पतालों में 50 से अधिक मरीज भर्ती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 जिलों की सामुदायिक किचन का वर्चुअल टूर किया। HIT कोविड ऐप भी CM ने किया लॉन्च। बिजली बिल जमा करने पर मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट, जाने किन शर्तों का करना होगा पालन। सावधान, बिहार में लगे नेपाल के इलाके में बन रहा है नकली रेमडेसिविर, जहरीली दवा को बिहार में ही भेजे जाने की आशंका। कोरोना का असर, बैंकों में अब 31 मई तक 4 घंटे ही होंगे काम, 2 बजे तक ही खुले रहेंगे बैंक। बिहार में बेतहाशा गर्मी से परेशान लोग, तेज धूप के कारण 40 के पार पहुंचा पारा, 19 मई से राहत की संभावना। बिहार के बोधगया में बन रहा है साइंस सेंटर, देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी ये सुविधा। लॉकडाउन में हाँफने लगी बिहार सरकार की नल जल योजना, एक सप्ताह से लोगों के घरों में नहीं पहुँच रहा नल का जल। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जाप महिला परिषद ने पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस मामले को धिक्कार दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान पप्पू यादव की रिहाई और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की गिरफ्तारी की मांग की गई। महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पप्पू यादव को गिरफ्तार कराकर सरकार ने घिनौना काम किया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के बाद भी जिस तरह से पप्पू यादव ने मुसीबत में पड़ी जनता की मदद की, अपनी जान जोखिम में डालकर पप्पू यादव ने लोगों की सेवा की, वह सरकार को गले नहीं उतर रही है। महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे ने पप्पू यादव की रिहाई की मांग की है, ऐसा नहीं करने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में सरकार फेल साबित हुई है, आम आदमी के लिए बिहार में वैक्सीन नहीं है, आज गाँव में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लोग दवा बेड और ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाए उसे धिक्कार है। रानी चौबे ने बताया कि पप्पू यादव ने हर मुसीबत में लोगों की सेवा की है, बिहार की आम जनता जब भी मुश्किल में पड़ी है उनकी एकमात्र उम्मीद पप्पू यादव ही रहे हैं। पप्पू यादव से घबरा कर डबल इंजन की सरकार और राजीव प्रताप रूढ़ी ने साजिश रचते हुए उन्हें गिरफ्तार करा दिया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार देते हुए रानी चौबे ने कहा कि जिस तरह से अपने ऑपरेशन के बाद भी मुसीबत में पड़ी जनता के मदद के लिए जान जोखिम में डालकर पप्पू यादव ने सेवा की है, वह राज्य सरकार के गले उतर नहीं रही है। बिहार में कोरोना संक्रमण की दर घट रही है, लेकिन बिहार वासियों के लिए चिंता की बात है कि मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 96 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1.25 लाख टेस्ट में मात्र 5,920 लोग पॉजिटिव मिले हैं। बिहार में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, लॉकडाउन के बाद से मरीज काफी कम हुए हैं। सोमवार को बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक सबसे ज्यादा कोरोना की टेस्टिंग हुई है। पिछले साल के बाद आज ऐसा हुआ है कि सरकार ने एक दिन में 1,25,000 से ज्यादा लोगों की जांच की है। ताजा आंकड़े के मुताबिक आज 1,25,342 लोगों की जांच में मात्र 5,920 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इस महीने ऐसा पहली बार हुआ कि एक दिन में 6,000 से कम मामले सामने आए हैं। बिहार में भले ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, लेकिन राज्यवासियों के लिए ब्लैक फंगस एक नई मुसीबत के रूप में उभरा है। इन दिनों रोज ब्लैक फंगस के नए मरीजों की पहचान की जा रही है। हालात ये है कि पटना के विभिन्न अस्पतालों में ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके 4 दर्जन से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। पटना में लगातार ब्लैक फंगस यानी म्यूकोर माइकोसिस के मरीजों की पहचान की जा रही है, ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जानकारी मिली है कि राजधानी पटना के विभिन्न बड़े अस्पतालों में 50 से अधिक मरीजों की भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के साथ साथ डायबिटीज के मरीजों के लिए यह जानलेवा साबित हो रहा है। राजधानी पटना के PMCH, IGMS और एम्स के साथ निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के पीड़ित 50 से ज्यादा मरीज को भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि IGMS में 20, एम्स में लगभग 16 और PMCH में 7 मरीजों के अलावा रूबन, पारस और बिग हॉस्पिटल में भी इस बीमारी से संक्रमित कई मरीज भर्ती हैं।
कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने पूरे बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के दौरान सरकार के द्वारा सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है। गरीब मजदूर और जरूरतमंद लोग भूखे नहीं रह पाए, इसी उद्देश्य से सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, जहां सुबह से नाश्ता के साथ दोपहर और रात में भोजन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार के 15 जिलों के सामुदायिक किचन का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने सामुदायिक किचन का वर्चुअल टूर किया और जिलों के डीएम से बातचीत कर किचन का हाल जाना। एक अन्य मार्ग स्थित आवास से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 जिलों के सामुदायिक किचन का वर्चुअल टूर किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एचआईटी कोविड ऐप भी लॉन्च किया। लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे, इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, सारण, गोपालगंज, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और बांका में चलाए जा रहे सामुदायिक किचन का आज उन्होंने वर्चुअल टूर किया। बिहार में बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करते समय विशेष डिस्काउंट मिल सकेगा। यह डिस्काउंट पूरे 3% का होगा। इसके अलावा ये सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए है जो स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली कंपनी ने शनिवार रात से इस सुविधा का शुभारंभ कर दिया है। कोरोना काल में इस छूट का लाभ उन्हें मिल सकेगा जो ऑनलाइन बिल जमा करेंगे। जानकारी के अनुसार बिजली कंपनी के द्वारा दी जा रही 3% की छूट में एक और शर्त उपभोक्ताओं के लिए रखी गई है। इस छूट का लाभ वैसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जो एडवांस बिल जमा करेंगे। यदि बिल की राशि माइनस में चली जाती है तो इसका लाभ उन्हें नहीं मिल सकेगा। हालांकि उपभोक्ताओं को बिल में इस छूट का जिक्र नहीं दिखेगा, लेकिन उन्हें इसका लाभ बिल जमा करने के दौरान जरूर मिलेगा। कोरोना के भीषण त्रासदी के दौर में ये खबर बेहद चिंताजनक है। बिहार से सटे नेपाल के इलाके में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार किया जा रहा है। नेपाल पुलिस ने नकली दवा तैयार करने वालों को गिरफ्तार किया है। आशंका है कि नकली दवा को बिहार भेजा जा रहा था। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना मरीज की जान ले सकता है। बिहार से सटे नेपाली बाजार विराटनगर में नेपाल की पुलिस ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में नकली रेमडेसिविर बनाने के कारोबार का उद्भेदन हुआ है। मौत के सौदागर बड़ी आसानी से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार कर रहे थे। उन्होंने रेमडेसिविर का लेवल प्रिंट करा रखा था, फिर एंटीबायोटिक इंजेक्शन स्टासेफ की शीशी से उसका लेवल उखाड़ कर रेमडेसिविर का लेवल चिपका रहे थे। दरअसल स्टासेफ इंजेक्शन की शीशी रेमडेसिविर से मिलती जुलती है। धंधेबाज इसके सहारे ही पैसा कमाकर मौत बांट रहे थे। कोरोना का असर बैंकों के कामकाज पर भी पड़ रहा है। इसे लेकर बैंकों में अब 31 मई तक 4 घंटे ही काम होंगे। दोपहर 2 बजे तक ही बैंक खुले रहेंगे। यदि बैंक में पैसे जमा करना हो या निकासी करनी हो तो 2 बजे से पहले ही कर लें। कोरोना को लेकर सभी बैंकों में 31 मई तक दोपहर 2 बजे तक ही कामकाज होगा। बिहार में लॉकडाउन की अवधि में विस्तार के बाद यह फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे राज्य के ग्राहकों के लिए बैंकिंग कार्य अवधि में कमी की गई थी। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी द्वारा पूर्व में जानकारी नोटिफिकेशन के अनुसार 15 मई तक बैंकिंग कार्यकाल ग्राहकों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया था। इसी को बढ़ाकर अब 31 मई तक कर दिया गया है। बिहार में फिलहाल तूफान ताऊ ते का असर देखने को नहीं मिलने वाला है, जिस वजह से लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में ताऊ ते तूफान सक्रिय है, जो 16 मई को गोवा के चर्च से टकराई 17 मई तक मुंबई और गुजरात तट तक पहुंचने की संभावना है। इसकी वजह से देश के पूर्वी हिस्से में आंधी तूफान के साथ ही तेज बारिश की उम्मीद है, लेकिन उसका असर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के तटवर्ती क्षेत्रों में नहीं दिखाई देगा, जिसकी वजह से बिहार के अधिकांश जिलों में 19 मई तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। दोपहर के बाद 12 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे शाम होते ही मौसम खुशनुमा बना रहेगा। हालांकि पटना, बक्सर, नालंदा सहित 14 जिलों में 18 मई की रात से मौसम में बदलाव होगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं और देश के उत्तरी हिस्से में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बिहार के दक्षिण से स्थित 14 जिलों में 19 मई को तेज हवा के साथ हल्की बारिश के आसार हैं।
भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली बोधगया में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां मौजूद महाबोधि मंदिर व अन्य मंदिरों के साथ ही विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए अगले कुछ चंद महीनों में यहां साइंस सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। बोधगया में तैयार हो रहे सब जोनल साइंस सेंटर की बिल्डिंग 95% बनकर तैयार हो चुका है। बिल्डिंग के अंदर एग्जीबिशन लगाने हैं। इसके तहत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड रोबोटिक विज्ञान से जुड़े एग्जीबिशन लगाए जाने हैं। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता के अधीन यहां तैयार हो रहे साइंस सेंटर की कुल लागत 10 करोड़ है, जिनमें से 4 करोड़ रुपए बिल्डिंग बनाने में खर्च होगा। इसके अलावा बिल्डिंग के बाहर साइंटिफिक पार्क व विज्ञान से जुड़ी कलाकृतियों को लगाया जाना है। बिहार के छपरा जिले के मांझी प्रखंड के पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 10 में एक सप्ताह से नल जल योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। स्टार्टर शॉर्ट सर्किट के कारण खराब हो गई है, जिसके कारण लोगों के घरों में पानी सप्लाई बाधित हो गया है। यह स्थिति एक सप्ताह से बनी हुई है। ग्रामीणों की शिकायत पर ना तो संवेदक ही ध्यान दे रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी, जिस कारण एक सप्ताह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार की मुहिम को झटका लग रहा है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना का आकार धरातल पर सफल नहीं हो रहा है। सरकार द्वारा लाखों की राशि खर्च करने के बाद भी योजना सफल संचालन के अभाव में लोगों के लिए लाभकारी नहीं हो पा रही है, जिस कारण नल जल योजना से लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। गाँव में पीएचडी विभाग के द्वारा निर्मित नल जल योजना का बहुत ही खराब हाल है। कभी पाइप में लीकेज तो कभी स्टार्टर जलने से पानी आपूर्ति ठप यहां के दिनचर्या में शामिल हो गया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।